अरिहं कारणम्। ॐ नमो सीतारम्। ॐ नमो आयरम्। ॐ नमो वज्रायारम्। नमो साधन दीजिए। मुक्त आत्मा छू जड़ शरीर नथी। मुक्त आत्मा छू जड़ शरीर नथी। शरीर मसाण निराख नो ढगलो। शरीर मसाण निराख नो ढगलो। परमा विण से ठोकर थे तो से ठोकर थी। हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी। हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी। हूँ तो आत्मा छू जड़ शरीर नथी। હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી। હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી। મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મ ભૃતામ જ્ઞાતારમ विश्वतत्वानां। वंदे तद् गुणलब्धये। वंदे तद् गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में जो विषय चल रहा है वो है देहात्म बुद्धि का त्याग करने से रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति जल्दी हो जाती है।
मैं ये शरीर हूं, शरीर के अंग उपांग हूं, ऐसी अनादि काल से जीव को देहात्म बुद्धि की मिथ्या भावना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा चालू ही है। जब विवेक ज्ञान प्राप्त करता है, जब श्री गुरुओं की कृपा होती है, जब आत्मज्ञान शुद्ध समकित प्रकट होने की बेला आ जाती है, उसके पहले उसको आत्मबुद्धि का, आत्मा में आत्मबुद्धि करना और देह में देह बुद्धि रखना, ऐसा भेद ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा भिन्नत्व का एहसास होता है, ऐसा भिन्नत्व का आभास होता है। तो वस्तु का स्वरूप है, इसमें तीर्थंकर भगवान कुछ फर्क नहीं कर सकते, तो और ज्ञानी कौन कर सकता है? जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है जल्दी में, उसको बार बार ये जागृति रखनी पड़ेगी, ये जागृति रखनी पड़ेगी। भूख लगी है वो बराबर है, मेरे को लगी है ऐसा नहीं है। बुखार आया है, खांसी हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, ये मेरे लड़के हैं, ये मेरा घर है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। दुनिया में बहुत पदार्थ है, आप देह की बात क्यों करते हैं? दुनिया में तो बहुत पदार्थ, सब पदार्थ ही है, तो आप देह की बात क्यों करते हो? भैया, देह के बिना अनादि काल से आज तक यह जीव कभी भी नहीं रहा। जब एक देह से दूसरे देह में जाता है तब भी दो देह तो रहते हैं, कार्मण शरीर और तेजस शरीर। तो अनादि का संस्कार इतना दृढ़ हो गया है कि देह की बात आती है तो वो स्वयं को समझ लेता है, साहब मेरे को बहुत बुखार आया है, साहब मेरे को बहुत ठंड लग रही है, यह हकीकत है कि कुछ हो रहा है, ये तेरी बात ठीक है, मगर जिसको हो रहा है वो मैं हूं, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम देहात्म बुद्धि है, इसी का नाम देहाध्यास है। इस बात को लेकर के अपना जो स्वाध्याय का उपक्रम चल रहा है, उसमें समाधि शतक के माध्यम से आगे चलते हैं। आज 16 नंबर का श्लोक है, मूल श्लोक इस प्रकार है। मत्तः चित्तेन्द्रिय द्वार पतितो विषयेष्वहम् तान प्रपद्याहम् इति माम पुरा वेदन तत्वतः।
अज्ञान से पागल होकर के और इंद्रिय द्वारों से बाहर भटकते हुए विषयों में तल्लीन होते हुए उनको ग्रहण करते हुए हो, मैंने कभी भी मेरे स्वरूप को पूर्व में कभी नहीं जाना। तत्व दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से आचार्य कहते हैं इसके अन्वयार्थ में, मैं अपने आत्मस्वरूप से हट करके अर्थात आत्मस्वरूप को न जान करके इंद्रियों की कामनाओं के द्वारा इंद्रिय के विषय संबंधी पदार्थों में गिरा पड़ा था, हम सबको अनुभव है, इसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। हम मना भी करें तो वो बात झूठ है, सब मेरे को तो कुछ भी देहात्म बुद्धि है नहीं, मैं कभी देखो अपना मानता नहीं, कुछ भी कहो ऐसा, तेरी श्रद्धा ऐसी हो सकती है कि भगवान ने ऐसा कहा है कि मैं देह नहीं हूं, मगर ऐसा अंतरंग में कभी भी अनुभव नहीं हुआ है। भेद ज्ञान के जो कवित्व एक दफा भी लिए थे, देह जीव एक रूप भास छे अज्ञान वर्ण क्रिया ने प्रवृत्ति पढ़ते थे तम थाए थे, वो पूरा कविता है उसमें। अर्थात अति आसक्ति से इंद्रिय भोगों में लिप्त हुआ पड़ा था तथा उन विषयों को प्राप्त होकर अर्थात ये विषय मेरे उपकार करने वाले हैं, जो जहर है उसको अमृत मानता है, जो जहर है उसको अमृत मानता है, जानता है मानता है और अनुभव करता है, जानता है मानता है और अनुभव करता है, ऐसा समझकर उनमें मगन होकर अनादिकाल से मैं आत्मा हूं शरीर आदि नहीं हूं, ऐसा अपने आप को तत्व दृष्टि से अथवा परमार्थ से वो निश्चय नहीं से नहीं जानता हुआ अर्थात नहीं अनुभव करता हुआ उसी का मुझे बड़ा सोच है। मैंने कभी भी अपने मूल स्वरूप को अपना न जाना न माना और जो जानता और मानता नहीं है उसको अनुभव नहीं हो सकता है। मगर जब देहात्म बुद्धि कम होती है, साधना बढ़ती है, आत्मदृष्टि विकसित होती है, परद्रव्यों को परद्रव्य और निज नायक को निज नायक मान करके अभ्यास करता है, गुरुओं की आज्ञा को भी मानता है, तब प्रथम देह दृष्टि हति एति भास्योदे हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देहथी ने, हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देहथी ने, ऐसा आसान नहीं है, घट्यो देहथी ने ऐसा धीरे 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 जैसे जैसे आत्मा की तरक्की होती है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है इसलिए आचार्य भगवान ने भी
ममता के नाश में, ममता के उन्मूलन में, उन्मूलन उसमें क्या कहा, चौथ पंद्रह सोलह सत्रह, अबद्धनो कर्म वो मैं नहीं हूं, और बद्धनो कर्म, बद्धनो कर्म अपने को द्रव्य कर्म जो है वो तो कार्बन शरीर तो दिखता नहीं, मगर उसका शास्त्र से भी अनुमान लिया लगाया जा सकता है, और अपने जीवन में भी अनुमान तो थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। जब तू एक दो साल का था तब कैसा था, ये कैसा था, और फिर 22 साल का हुआ तो हाँ, जब मैं चालू तो अब धरती ध्रुजती थी, और अब 70-80 साल का हो गया तो क्या होता है, क्या होता है साहब, मैं तो ध्रुजता हूं मगर ये धरती तो नहीं ध्रुजती, मैं तो भैया वो तेरे हाथ में ही नहीं है, तेरा कोई हक उसके पर है नहीं, और वो न तेरी नाक जात का है, ये अपनी जात का नहीं है, हम तो है चैतन्य, ये तो है अचेतन, हम तो एक ज्ञान स्वरूप, इसमें कुछ ज्ञान नहीं है। हम तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण है निश्चय से, और ये तो गलता है, छोटा होता है, श्रिंक हो जाता है, हा? बाल कैसे हो जाते हैं, मूछें कैसे हो जाते हैं, और कान आंख, हाँ का कहे, हाँ हाँ जरा जोर से बोलिए, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है भैया, उसका स्वभाव ही है ऐसा। तो साधक पश्चाताप करते हैं, हो ये भगवान यह देह परद्रव्य है, वो गलना पड़ना गिरना बदलना ऐसे स्वभाव का है, मगर मैं तो हमेशा चैतन्य स्वरूप हूं, मेरी भी अवस्थाएं तो होती है, मगर मेरा मूल स्वरूप जो है वह तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदान, ऐसा ही है, ऐसा आत्मभावना का अभ्यास आगे बड़े मुमुक्षुओं को 2400 घंटा करना चाहिए। कठिन है, गहन है, सूक्ष्म है, इस जीव को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बार 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 उसकी जागृति रखनी चाहिए। देहात्म बुद्धि ही मुख्य संसार है, और आत्मतत्व बुद्धि यानी आत्मज्ञान, परमार्थ आत्मज्ञान ही मुख्य मोक्ष है। तो इसके बारे में अनेक अनेक धर्मात्माओं ने इसके लिए अथाह लिखा है, पहले यहां पर संक्षेप में समझ ले भावार्थ, श्री समाधि शतक श्लोक 16, यहां पर आचार्य ने बहिरात्मा से अंतरात्मा होने पर अंतरात्मा के मन के विकल्प को दिखाया है। बहुत बार ऐसा हो जाया करता है
कि हम अपने भ्रम से किसी की कुछ समझ, किसी को कुछ समझ कर अनेक कष्ट सहकर चेष्टा करते हैं, पर जब पता चल जाता है कि ऐसा समझना हमारी भूल थी, तब हमको पछताना पड़ता है। व्यवहार का भी दृष्टांत देते हैं। किसी की कोई चीज मेरे पास आ गई और बिल्कुल मेरे पास जैसी थी वैसी ही थी, दोनों सखी चीज थी, तो मैं मान लेता था कि ये मेरी है, ये मेरी है। मगर एक दिन उन्होंने आकर के कहा कि देखो, उसके राइट हैंड साइड के पहलू पर एक निशान मैंने बनाया है उसके ऊपर। हाँ है तो सही, तो आपके आपने बनाया था, आपके आपका जो रबर है वो ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, हाँ ये तो मेरा आपका दोनों एक सरखा था, तो मैंने मान लिया कि ये तो मेरा है, मगर यह मेरा नहीं है। अब तक किसी ने बताया नहीं तो मालूम भी नहीं था। सिमेट्री, जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां शरीर है। इसको छोड़ देना, पक्के नख और जो ऊपर के बाल, इन सबको निकाल देना। ये जो सेंट्रल थीम है देहात्म बुद्धि की, वो तो सभी आर्य दर्शनों में बहुत अच्छी तरह से बार 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 दिखाई गई है। देह तारे न थे जो तू जुगत करी राख तानव रहे निश्चय जाये, देह संबंध तेजे अवनवा बहुत से पुत्र कलत्र परिवार वाये। बार 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 नास्ति की साधना से काम बनेगा नहीं, अकेली नास्तिक की साधना से काम नहीं बनेगा। देहात्म बुद्धि छोड़ना है तो आत्मा के ज्ञान स्वरूप को जानना पड़ेगा और इतना घूटना पड़ेगा कि बार 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 इसी को आत्मभावना कहते हैं। श्री सद्गुरु ये कहो चेतिवान निर्ग्रंथ मार्गनो सदा आश्रय। हूँ देहादि स्वरूप नहीं और देह श्री पुत्र आदि कोई पण मारा नहीं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी वो आत्मा छु, एम आत्मभावना करता राग द्वेष क्षय था। उन्होंने कभी अंतर से एहसास नहीं किया है, इसलिए उसको ये सब ड्राई लगता है। आचार्य भगवान क्या कहते हैं, पै कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। आ भवमूर्ति है, ये भवमूर्ति है, उसको जरा अलग करके देखो, पृथक्करण करो, अभ्यास करो, ऐसा होने पर ही पृथगत विलसंतम सम समालोक्य येन त्यजसि सगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्।
अगर तेज मुक्त तेरे को एक बार भी आत्मा की झलक मिल जाए तो फिर कभी तेरे को ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा ममत्व का भाव जो है फिर होगा। अध्यात्म शास्त्र है इसलिए वहां पर वो गुणस्थान आदि को नहीं लिया है, क्योंकि देहात्म बुद्धि क्रम से छूटती है, जैसे महामुनीश्वर को छूटती है वैसा कुछ नहीं, वे तो शिला पर बैठते हैं, वो तो बारिश के दिनों में फिलहाल तो ऐसे मुनि बहुत कम होते हैं, नहीं नहीं के बराबर, मगर तीन काल की अपेक्षा देखना चाहिए। इस प्रकार यहां पर बहुत विस्तार किया है, ऐसे विविध प्रकार से सदा अपने को शरीर रूप ही माना, कभी ऐसा न जाना, न श्रद्धा किया और न अनुभव किया कि यथार्थ में मेरे आत्मा का स्वभाव यानी मेरा स्वभाव कर्म कलंक रहित, राग द्वेष मोह रहित, ज्ञानमय आनंदमय परम वीर्यमय निराकुल शुद्ध स्फटिक वत निर्मल अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण पर्याय का पिंड चैतन्य धातुमय सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है, ऐसा कभी भी अज्ञान से और असंयम से दोनों से जानने का काम तो अज्ञान करता है, मगर ज्ञानी को भी कभी कभी देहात्म बुद्धि हो जाती है, मगर तन्मय रूप देहात्म बुद्धि नहीं होती, समझेगा। ज्ञानी को भी कभी कभी देहात्म बुद्धि हो जाती है, वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, मगर इसकी प्रतनता है वो जैसी अज्ञानी जीव को होती है एकदम अलर्ट हो जाता है, जग जाता है। तो यह अभ्यास जो है ज्ञानी निरंतर करते ही रहते हैं और फिर उसको पक्का करने के लिए भगवान वीतराग ने 12 भावनाएं दी है, इसमें ये अशुचि भावना अन्यत्व भावना वगैरह भी है, सो विस्तार से देख लेना चाहिए। इसको जब आचार्य उच्च कक्षा का ऐसा भेद ज्ञान जब वो प्राप्त कर लेता है तब उसको अभिक्षण ज्ञानोपयोग ऐसा कहते हैं, अभिक्षण ज्ञान हो गया, प्रत्येक क्षण में प्रत्येक कार्य में उसकी ऐसी जागृति रहती है कि यह शरीर की बात है और मैं तो उसको जाननहारा हूं, तो उसके लिए तो भैया बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, मगर जो आगे का अभ्यास है वो दुख रूप नहीं है, जैसे जैसे आत्म भावना पनपती है, सॉलिडिफाई होती है, क्रिस्टलाइज होती है, वैसे वैसे जड़ निचेतन बने द्रव्य न स्वभाव इन सुप्रतित पणे बने जेन समझ आए छे स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा ज्ञेय पण पर द्रव्य माय छे
एवो अनुभव मनु प्रकाश उल्लसित थयो जड़ थी उदासित ने आत्मवृत्ति थाय छे कायानी विसारी माया स्वरूपे शमाया एव कायानी विसारी माया स्वरूपे शमाया एव निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे जड़ ने चैतन्य बने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न सुप्रतित पणे बने जेने समझाय छे। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा नीरस है, क्या साहब आप क्या बात करते हैं, ऐसा हमको तो कुछ लगता नहीं। जो अच्छा नहीं लगता उसको करना, उसमें अपना चित्त लगाना, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। आप बच्चे को जब परीक्षा पास में आ जाती है तो वो क्रिकेट खेलता है, वो बमंडा खेलता है, वो पतंग, आप उसको कहते 7:30 बज गए, चलो चलो पढ़ने को बैठने का है, खाना तैयार हो गया, चलो हाँ। हमको भी ऐसे लगता है, क्या साहब मेरे कपड़े ऐसे में, मेरी मूछें तो देखो। आप बाहर वहां बात करते हैं तो मैं सुन लेता हूं, मेरे कान इतने सजग हैं, आप बाहर में बात करते हैं तो मैं सुन लेता हूं। भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर में ममत्व बुद्धि को, ममत्व बुद्धि करता भी है और ममत्व बुद्धि बढ़ाता है। शरीर किसी का कभी नहीं हुआ, तीर्थंकर भगवान सबको देह छोड़ना पड़ता है, मगर उनको देह छोड़ना वो मृत्यु नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, निर्वाण गमन। भगवान का देह जब छूटता है तो क्या होता है, बहुत बड़ा महोत्सव बनाते हैं, देव लोग आकर के निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, भगवान जाते हैं तो। वैसे भी बड़े महापुरुष जब चल बसते हैं तो इसके बारे में शोक नहीं मनाना, उन्होंने सारी जिंदगी यही सिखाया। बड़े महापुरुष की जो स्मशान यात्रा निकलती है उसमें भगवान का गाना गाया जाता है, वैराग्य के पद बोले जाते हैं, अध्यात्म पद बोले जाते हैं। यहां से जहां गया वहां अभी तो बहुत सहूलियत है, क्योंकि इस काल में यहां से जाएगा तो स्वर्गलोक में ही जाएगा, मगर ऐसे ऑर्डिनरी स्वर्गलोक में नहीं जाएगा, विशिष्ट स्वर्गलोक में जाएगा, लेके जाएगा। तो वहां भी सब लोग उसको पागल ही कहेंगे, क्योंकि जहां जाएगा वहां देवलोक में ज्यादा से ज्यादा मिथ्यात्वियों की संख्या होती है। मैं ऊपर के स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, जहां पर अकेले ज्ञानी होते हैं, वो तो अभी फिलहाल तो एक ही जगह है जहां हम जा सकते हैं, वो लोकांतिक देव है, मगर वहां तो भी शास्त्र ऐसा बताता है कि शुद्ध उपयोगी मुनि ही वहां जाते हैं, ऐसा बताए है? वो भी मैंने पढ़ा तो नहीं है मगर वो सुना है क्या, मगर ज्ञान तो है, गुणस्थान पंचम नहीं है, गुणस्थान तो चौथा हो जाता है, देवलोक में जब जाते हैं तो गुणस्थान तो, मगर इतने दृढ़ संस्कार आत्मज्ञान के रहते हैं कि वहां भी एकदम मंद कशा, इसलिए उनको देवर्षि कहते हैं,
देवर्षि कहते हैं, लोकांतिक देव भी कहते हैं, वो किसी भी और कल्याणक में नहीं जाते हैं, अकेले दीक्षा कल्याणक में ही जानते जाते हैं, क्योंकि दूसरे चार कल्याणक में कुछ श्रृंगार का अंश रहता है, और भगवान को भी सुनाते हैं वैराग्य, वैराग्य की बात। मर करके भी सत्य के स्वरूप को समझ करके उसका अनुसंधान करना, यह इस जीव के लिए एवं किसी भी जीव के लिए परम आनंद के प्राप्ति का कारण। अभी देश का विपरीत चल रहा है, इसलिए ज्यादा चौकसाई रखनी पड़ती है, होशियारी ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि चारों ओर ऐसे पुद्गल की बलिहारी है, चारों ओर पुद्गल की बलिहारी है। इतनी है कि चिदानंद जी महाराज ने एक गीता लिख दी, पुद्गल गीता, चिदानंद जी महाराज ने पुद्गल गीता लिख दी। जिसके अंतर में भगवान की बात बैठ गई है वो अभ्यास करता रहता है। कभी थोड़ी ठंडी लग गई, कभी थोड़ी गर्मी लग गई, कभी किसी ने गाल गलौज कर दिया, कभी किसी ने तूता कर दिया, अपमान हो गया, मेरा अपमान नहीं होता, मेरा अपमान नहीं होता और मेरा सम्मान भी नहीं होता। प्राय करके ज्ञानी सम्मान के समारोह में नहीं जाते, मगर कभी लोक कल्याण के लिए जाते हैं तो भी, और आयोजकों को भी कह देते हैं उसको ज्यादा मत लंबाओ, उसको ज्यादा उसमें समय मत लगाओ, स्व और कल्याण की सिद्धि हो उसी में लगाओ। ऐसी देहात्म बुद्धि को काटने की बात आचार्य कहते हैं। अभी अपने भूतकाल को याद करता है, मैंने इंद्रिय विषय भोगों को अपना उपकारी जाना, यह मेरी बड़ी भूल हुई और मोह जाल में पड़कर पन सुख समुद्र अपने आत्मा को न पहचानना, उन्होंने मेरा बड़ा भारी अपकार किया, तीव्र पाप बंधाए मुझे संसार में रुलाया, मैंने विषयों में अंधा होकर के बहुत कुछ हिंसा चोरी झूठ व्यभिचार आदि कुकर्म किए, जिससे घोर पाप बांधे और दुर्गति में जाकर महावेदनाएं भोगी, वास्तव में मैंने अपने आप का घात ही किया। इस परम प्रभु परमात्मा को निगोद की एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने वाली पर्याय में भी डाल दिया तो मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सम्मत चारित्र आदि गुण रूपी रत्नों के चुराने वाले थे, उनको अपना प्यारा समझकर अपना बहुत ही बिगाड़ किया, इस तरह पछताता है। और आगे धन्य मानता है कि वह अनादि भूल अब मिट गई, अपने सच्चे स्वरूप को मैंने जान लिया और इंद्रिय चोरों का कर्तव्य विश्वास में आया, मैंने इंद्रियों ने मुझे छल करके, मुझे कपट करके छल लिया था, वो अब मेरी समझ में आ गया है, इसलिए मैं इंद्रियों की बात मानने वाला।
सम्यक् दृष्टे भवति नियतं ज्ञान वैराग्य शक्ते स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वानुरूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं वस्तुत्वं स्वं परं च स्वस्मिन् आस्ते विरमतो परात् सर्वतो रागयोगात् स्वस्मिन् आस्ते विरमतो परात् सर्वतो रागयोगा। इसके बारे में बहुत आचार्य ने बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। दो तीन तो अपन देखें, एक दो और हम लोग वैराग्य परायण पढ़ते हैं। इसमें वैराग्य परायण और जो है अभी आत्मानुशासन चल रहा था ना, उसमें से यह श्लोक है, उसका गुजराती है। जूनी दैनिक स्वाध्याय में पेज 36 है। तनिथिथयो अतिनष्टतो आज्ञानतारो सत्यचे तो त्याग करते नो हवे साहस खरो कर्तव्यचे तो त्याग करते नो हवे साहस खरो कर्तव्यचे संसार जे ना ग्रहण थे ने मुक्ति जे त्यागे बने ते देह एक त्या पर कल्पना थी शूतने ते देह एक त्याज्य त्या पर कल्पना थी शूतने। है तो कठिन है। तुम्हारा लड़का 12वीं में खाता भी नहीं पीता भी नहीं बाहर जाता नहीं पिक्चर देता नहीं हाँ? सब लोग कहते तुम बहुत उसको बहुत दुखी करते हो, तुम्हारे लड़के को तुम बहुत दुखी करते हो, मगर जब बोर्ड में पहला दूसरा तीसरा नंबर जाता है तो बहुत हर्ष में आ जाते हैं लोग। ये तो संसार की बात है, इसमें कोई परमार्थ नहीं है। मगर ऐसे ही जग जाने उन्मत्त वो जन जाने अंध ज्ञानी को जग में रहो यो नहीं कोई संबंध ज्ञानी को जग में रहो यो नहीं कोई संबंध। सभी पागल कहते हैं, सभी उनको पागल कहते हैं। और गुजराती में क्या कहते हैं, गांडानी भणजार। गुजराती में कहते हैं गांडानी भणजार। Awake, arise and stop not till the goal is reached. So says Upanishad. Awake, arise and stop not till the goal is reached. जागृत उत्तिष्ट ऐसा कहते हैं। जहां तक आत्मबुद्धि पक्की न हो जावे वहां तक विश्राम नहीं लेना है। ये तो नेगेटिव साधना है, नेगेटिव साधना के लिए नहीं है। आचार्य पॉजिटिव साधना बताएंगे। स्वाध्याय में डूबो, ध्यान में डूबो, अच्छे अच्छे
परोपकार के कार्य अनाशक्ति पूर्वक करो, वो तो ज्ञानी ही कर सकते हैं। ज्ञानी से उपकार तो होता ही है, मगर उपकार को वो अपना कर्तव्य नहीं मानते हैं। सभी मारे काम क्रोध सब लोभ मोह पीसी डारे इंद्री हु कतल करी के यो रजपुतो है मारे महामत मन मारे अहंकार में मारे मद मत्सर हो ऐसो रण रुतो है मारी आशा तृष्ण पुनि पापी निशा पिनि दो इन सब मारी जो निज पद पुतो है सुंदर कहत सो संत को शूरवीर वैरी सब मारी के निचिंत हो ये सुतो है। सुतो है कहाँ? अपने स्वरूप में सोया नहीं है, वो बहुत जागता है। वो तो दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने भी इसका इशारा किया है। यस्मान् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। प्रत्येक आर्य दर्शन में देहात्म बुद्धि को छोड़ करके आत्मबुद्धि को ग्रहण करके आत्मज्ञान और आत्मसमाधि को बढ़ाने के लिए बोध दिया है, मगर सूक्ष्म बोध है, वो महावीर के जैसा अन्यत्र कम देखने में आता है या नहीं देखने में आता है। ईशा समिति के 46 दोष, ईशा समिति होती है ना, इसे कितने दोष बतलाए हैं? 46। समिति और गुप्ती, आप लोग हम सब लोग को तो एक एक माता है और मुनि को 8 माताएं हैं। बोलो, मुनि को 8 माता है, वो कितना सौभाग्यवान कि मेरे बच्चे को कुछ भी न होवे, मेरे बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं होवे, इसलिए 8 माता है उसकी सेवा करती है। 5 समिति और 3 उसके लायक है, वो ऐसे ही नहीं है। माया मन मनोज मोह ममता मिथ्या त मोड़ी मुनि धोरे धर्म धरे ल ध्यान धरथे धारे ल धैर्य धुनी छे संतोष सुशील सौम्य समता निशीय चंडना नीति राय दया क्षमा धर्म मुनि कोटि करो वंदना नीति राय दया क्षमा धर्म मुनि कोटि करो वंदना। धुन लगानी पड़ती है। देह नहीं मनवाने ते मनु कारण नहीं करता न कारता नयन मनता करता न। ऐसे मुनिराज, ऐसे आचार भगवान, ऐसे महाज्ञानियों के प्रति अप्रतिम प्रेम प्रकट बिना देहात्म बुद्धि टलती नहीं, वो अनादि की है, एकदम जाने वाली नहीं। अभ्यास वैराग, वैराग अभ्यास, अभ्यास वैराग, वैराग अभ्यास। तो बड़े महापुरुष इसको अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं, बड़े महापुरुष उसको अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं। जितनी सावधानी
लश्कर में फ्रंट लाइन में खड़े हुए जो सैनिक हैं उनको रखनी पड़ती है, उससे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, वो मुनिराज हो सकता है। खाना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पीना, हाँ 8 घंटे के लिए वो वहां पर, तो लश्कर में तो, क्योंकि दूसरे फिर, और यहां पर तो 24 घंटे की ड्यूटी, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी है। ऐसे भगवान मुनिराज और ऐसे उपाध्याय और ऐसे आचार्य, उनका बार बार स्मरण करना, तो इससे वैराग्य की वृद्धि होती है और उन्होंने जो महान पराक्रम किया है उसकी ओर हमारी दृष्टि जाती है। और तीर्थंकर के चरित्र तो है ही, वे तो सुपर मुनि थे, शुद्धोपयोगी मुनि कहते, तद्भव मोक्षगामी शुद्धोपयोगी मुनि। शुद्धोपयोगी मुनि में भी 2 प्रकार होते हैं, उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। वो तद्भव मोक्षगामी शुद्धोपयोगी मुनि है, वो भगवान है। और ऐसे दूसरे तद्भव मोक्षगामी गणधरादि है। तो सभी शास्त्रों में यह बात बार बार रिपीट की है। सब क्यों रिपीट किया, तो वो तो दोष है हमारे साहित्य में, उसको क्या कहते हैं, पुनरुक्ति दोष कहते हैं। अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं है, अध्यात्म में सच्ची पुनरुक्ति महान सद्गुण है, और उसके बिना कभी भी आगे की जो परिस्थिति है, आगे की जो उच्च अध्यात्म दशा है ज्ञानानंद की, उसकी संप्राप्ति हो नहीं सकती। ऐसे एक दो लेकर के हम उसको समाप्ति करता है करेंगे। बहुत करके ये सब जो है 2-3 वो आत्मानुशासन के ही है। तू शुद्ध सहजे जाननारो सर्व विषय समूहनो अरूपी छता आत्मंतने अपवित्र अति देहे करो ए रूपी पोते अशुचि अतिशय चेतना गुण रहित है ए मलिन करतो अन्न सौने तेथि दिग दिग देह ए मलिन करतो अन्न सौने तेथि दिग दिग देह ए। आचार्य ऐसा नहीं कहते, आप लोग भी कहते हैं हाँ। तब जो थाली आपको परोसा और आपने थोड़ा एक दो चीज ले ली, फिर वो था दूसरे के देते हैं, साहब अब ये तो झूठ हो गई, ऐसा कहते हैं। ऐठी को क्या कहते, झूठ हो गई, झूठ झूठ नहीं परोसना चाहिए साहब। क्यों, स्वयं तो झूठ है, दूसरों जो उसके कांटेक्ट में आते हैं उनको भी झूठ कर देता है, ऐसा ये शरीर है। वो कौन मूत्र ने मलनी रोग जरानु निवासनो धामा काया एवी गणी ने मान त्यजी ने कर सार्थक आमा। इस प्रकार देहात्म बुद्धि का अपरिचय करना, बार बार देहात्म बुद्धि को छोड़ना, बार बार आत्म भावना को भाना,
नस्ति नास्ति अस्ति अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति अस्ति, ऐसे भगवान की आज्ञा की पालना करने का है। मैं देहादि नहीं हूं और मैं विज्ञान घन हूं, आनंद घन हूं, ऐसा बार 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 प्रयत्न करना है। હું જાણું છું કે તેમ થવું કઠિન છે, તો પણ અભ્યાસ તે જ સર્વનો ઉપાય છે। હું જાણું છું કે તેમ થવું કઠિન છે, તો પણ અભ્યાસ તે જ સર્વનો, ઓર વો અભ્યાસ અકેલે મે હમ નહીં કર સકતે જ્યાદા, ઇસલિયે સત્સંગ ઓર સદગુરુ કે માધ્યમ સે વો જ્યાદા અચ્છા હોતા હૈ, ઓર ફિર વો સ્વયં કહેંગે, જબ તુમ્હારી હૈસિયત બઢ જાયેગી तो वे स्वयं कहेंगे आप अभी अकेले रहो, जाओ तीन महीने अकेले रहो, इसमें एक महीना तो मौन रखो। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रयत्न जब करेंगे तब एक दिन सच्चे मुनि भी बन जाएंगे, और सच्चे मुनि होंगे तो एक दिन श्रेणी भी चढ़ जाएंगे और अपने कैवल्य का कैवल्य की प्राप्ति कर लेंगे। फिलहाल तो जितना भी हो सके उतना हमें करना चाहिए और आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। देह छता जे निदशा वरते देहाते ते ज्ञाने ना चरण मा हो वंदन अगणी। सद्गुरु परम कृपालो त्रिलोक के नाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र।